हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है एनसीईआरटी क्लास 7 भूगोल का चैप्टर नंबर 8 मानव पर्यावरण अन्योन्य क्रिया उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे जो उष्णकटिबंधीय एरिया में और उपोष्ण प्रदेशों में कैसी जलवायु है, क्या है। तो सबसे पहले आप इस चित्र को देखिए, यहाँ पर दिया है विश्व के अलग अलग भाग में रहने वाले लोगों की वेशभूषा। तो इससे आपको एक चीज मालूम चल जाएगी कि सभी जगह के निवासी हैं, उन सभी की मूलभूत आवश्यकताएं सेम है, जैसे कि पहनने के लिए कपड़ा, खाने के लिए भोजन और रहने के लिए घर। तो ये सभी जब आवश्यकताएं सेम हैं, तो अभी हम कुछ अलग अलग जगह के लोगों के बारे में बात करेंगे, वहां पर कैसे क्या है। जैसे कि सबसे पहले देखेंगे हम अमेजन बेसिन के बारे में। अमेजन बेसिन, तो अमेजन बेसिन यानी कि अमेजन नदी के आसपास का क्षेत्र। बेसिन क्या है वो मैं आगे बताऊंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अमेजन नदी का नाम अमेजन कैसे पड़ा। तो स्पेन के जो खोजकर्ता थे, अन्वेषक थे, वो जब इस नदी की खोज कर रहे थे, उस समय सिर पर सुरक्षा कवच एवं घास के स्कर्ट पहने हुए कुछ स्थानीय आदिवासियों ने उन पर आक्रमण किया। तो जब इन आक्रमणकारियों को उन खोजकर्ताओं ने देखा, तो उन्हें प्राचीन रोमन साम्राज्य के अमेजोन्स नामक महिला योद्धाओं के आक्रामक समूह की याद आई। तो इस तरीके से इस एरिया का या फिर यहाँ का नाम अमेजन पड़ गया। तो अमेजन के बारे में जानने से पहले मानचित्र देखिए 8.2। सबसे पहले देखिए कि अमेजन जो नदी है या जो बेसिन है वो कौन से महाद्वीप में है, वो है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। अमेजन जो बेसिन है वो पश्चिम से निकलता है, अमेजन नदी पश्चिम से निकलती है पर्वतों से, और पूर्व में जाकर के अटलांटिक महासागर में मिल जाती है। अब ये कौन से देश से होकर के गुजरती है, अमेजन नदी जब चलती है, एक बड़ी नदी है, तो इसमें बहुत सारी सहायक नदियां आकर के मिल जाती हैं। तो इस तरीके से मुख्य नदी और अपनी सहायक नदी, यानी कि मुख्य नदी बह रही है जिस एरिया में, उसके अलावा जो भी सहायक नदी उसमें आकर के मिल रही हैं, तो वो जिस जिस एरिया को कवर करती हैं, जैसे कि ये है, यहाँ पर ये अमेजन नदी है मुख्य, इसमें बहुत सारी नदियां आकर के मिल रही हैं, तो ये सब एरिया, पूरा एरिया मिलाकर के होता है अमेजन बेसिन बोला जाता है इसको, यानी कि जल संग्रहण क्षेत्र, पूरे के पूरे एरिया का जल है वो अमेजन बेसिन बोला जाएगा। अमेजन बेसिन में कौन से जो देश आ रहे हैं, इक्वाडोर है, कोलंबिया है, वेनेजुएला का कुछ भाग है, ब्राजील का अधिकतर भाग है, पेरू है, बोलीविया है, गुयाना, सूरीनाम और फ्रेंच गुयाना है। अभी जैसे कि आपको बताया था, यहाँ पर देखिए आप मैप के अनुसार 0 डिग्री यानी कि भूमध्य रेखा से 10 डिग्री ऊपर यानी कि उत्तर, 10 डिग्री दक्षिण, ये जो एरिया होता है उसे बोला जाता है भूमध्य सागरी एरिया। उसके अलावा 30 डिग्री या यूं कहिए कि मकर रेखा से लेकर के कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के भाग को बोला जाता है उष्णकटिबंधीय एरिया। तो ये जो एरिया है स्पेशली भूमध्य रेखा के आसपास का एरिया ही है। तो इस बात को भी याद रखिए कि यहाँ से 0 डिग्री यानी कि भूमध्य रेखा से कौन से देश जा रहे हैं दक्षिण अमेरिका के, इक्वाडोर निकल रहा है, कोलंबिया है, ब्राजील है, और ये जो अमेजन बेसिन है पूरा का पूरा भूमध्य रेखा से जा रहा है। और भूमध्य रेखा का जो क्षेत्र होता है वो काफ़ी नमी वाला क्षेत्र होता है, ज़्यादातर गर्मी रहती है, और यहाँ पर रात को भी गर्मी कम, थोड़ी सी कम होगी, टेम्परेचर कम होगा, लेकिन नमी ऐसे ही रहेगी, शरीर में चिपचिपाहट सी मालूम चलती है। तो अमेजन जो बेसिन है वो दुनिया का सबसे बड़ा नदी बेसिन है, इस बात को भी याद रखें। अभी पढ़ते हैं थोड़ी बातें, जो बातें मैंने बताई हैं वहीं आपके सामने आएंगी। उष्णकटिबंधीय प्रदेश कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य स्थित है। भूमध्य रेखा के 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण के मध्य भाग को भूमध्य रेखीय प्रदेश बोला जाता है, और अमेजन नदी इसी प्रदेश से होकर के बहती है। ये पश्चिम में पर्वतों से निकल करके पूर्व में अटलांटिक महासागर या फिर अंद महासागर में पहुंच जाती है, और जिस स्थान पर कोई नदी किसी अन्य जल राशि में मिलती है उसे उस नदी का मुहाना कहते हैं। और अमेजन नदी में बहुत सारी सहायक नदियां मिलती हैं, और उन सबको मिलाकर के बनता है अमेजन बेसिन। अमेजन नदी है जो ब्राजील के कुछ भाग, पेरू के कुछ भाग, बोलीविया, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला, इन सभी भागों से होकर के अपवाहित यानी कि बहती है। आपको इनके देशों के नाम मालूम चल गए। अभी बात करते हैं जलवायु की, कि अमेजन बेसिन में जलवायु कैसी है। जैसा कि आपको पता है कि भूमध्य रेखा के आसपास अमेजन बेसिन है, तो पूरे वर्ष यहाँ पर गर्मी रहती है और नम जलवायु यानी कि ह्यूमिडिटी रहती है। यहाँ पर दिन और रात दोनों ही समय गर्मी रहेगी और आर्द्रता होती है, ह्यूमिडिटी होती है, शरीर में चिपचिपाहट महसूस होती है, और डेली लगभग वर्षा होती है, जो कि पहले से उसकी वार्निंग नहीं होती है। वर्षा वन, चूंकि यहाँ पर वर्षा डेली होती है, इसीलिए यहाँ पर वर्षा वन भी होते हैं, और वर्षा वन ऐसे होते हैं बहुत ही घने होते हैं। और जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं, यहाँ पर पेड़ों के ऊपर भी, तनों के ऊपर भी पत्तियां आ गई हैं,
तो इतने ज्यादा घने हो जाते हैं कि यहाँ पर सूर्य का प्रकाश भी जमीन तक नहीं पहुंच पाता है। तो कहने का मतलब है यहाँ पर सिर्फ वही वनस्पति पनप सकती है जिसमें छाया में बढ़ने की क्षमता हो। परजीवी पौधे जैसे कि आर्किड और ब्रोमिलाइड, ब्रोमिलाइड के बारे में बात करें तो ब्रोमिलाइड एक विशेष प्रकार का पौधा है जो अपनी पत्तियों में जल को संचित रखता है, और मेंढक जैसे प्राणी ये जो जल के पॉकेट होते हैं यहाँ पर अंडा देने का भी यूज करते हैं। अगर वर्षा वन है जहाँ पर वर्षा ज्यादा होती है, वनस्पति ज्यादा है, तो वहां पर प्राणी जात बहुत ज्यादा होता है, यानी कि प्राणी बहुत होते हैं, जीव जंतु। तो टूकन और गुंजन पक्षी, रंगीन पक्षित वाले पक्षी और भोजन के लिए बड़ी चोंच वाले विभिन्न प्रकार के पक्षी जो कि इंडिया में नहीं पाए जाते हैं और इंडिया में पाए जाने वाले पक्षियों से भिन्न होते हैं, अमेजन बेसिन में मिलते हैं। तो टूकन क्या है? पक्षी है, याद रखिए, ये रहा टूकन, जो कि लंबी चोंच वाले होते हैं। और अगर प्राणियों में बात करें तो बंदर, स्लॉथ और चींटी खाने वाले टैपीर भी यहाँ पर मिलते हैं, सांप और सरीसृप वाली प्रजातियां भी मिलती हैं, लेकिन यहाँ पर मगर, सांप, अजगर और एनाकोंडा और बोआ ये प्रजातियां भी यहाँ पर पाई जाती हैं। कीड़े मकोड़े बहुत सारे यहाँ पर मिलते हैं अमेजन बेसिन में। और जो आपने पिराना मछली के बारे में सुना होगा जो मांस खाती है, वो मछली भी अमेजन नदी में पाई जाती है। तो इसीलिए जीवों की विविधता की दृष्टि से अमेजन बेसिन असाधारण रूप से समृद्ध है। यहाँ के निवासी के बारे में बात करें तो यहाँ के लोग जो है वो छोटे से क्षेत्र में वन के कुछ वृक्षों को काटकर अपने भोजन के लिए फसल उगाते हैं, और यहाँ के जो पुरुष हैं वो शिकार करते हैं और नदी में मछली पकड़ते हैं, और महिलाएं हैं जो फसलों का ध्यान रखती हैं, और खास करके टेपियोका, अनानास और शकरकंद यहाँ पर उगाए जाते हैं। याद रखिए इस चीज को, क्योंकि मछली का शिकार मिलना अनिश्चित है, किसी दिन मिलेगी किसी दिन नहीं मिलेगी। तो इसीलिए जो महिलाएं हैं वो अपने द्वारा उगाई हुई साग सब्जियों से अपने परिवार का भरण पोषण करती हैं। कर्तन एवं दहन कृषि पद्धति का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कर्तन और दहन पद्धति होती क्या है, जैसे कि झूम खेती होती है। तो इसमें क्या है, किसान पहले वृक्षों और झाड़ियों को काट करके भूमि साफ करते हैं, उनको जलाते हैं, जिससे क्या है पोषक तत्व तो मिट्टी में मिल जाते हैं और साफ भूमि पर कुछ वर्षों तक फसल पैदा की जाती है। जब बार बार फसल पैदा होती है तो पोषक तत्व तो लगभग खत्म हो जाते हैं, तो उस जमीन के टुकड़े को छोड़ दिया जाता है और उसके बाद फसल उगाने के लिए किसी दूसरे स्थान को इसी तरीके से साफ किया जाता है। इसी बीच पुराने खेत जो होते हैं वहाँ छोटे छोटे वृक्ष उगाते हैं, और इस प्रकार से मिट्टी दोबारा से उपजाऊ हो जाती है, और फिर दोबारा से इसका यूज ऐसे ही तरीके से करते हैं। ये तो होती है कर्तन और दहन कृषि पद्धति जो अमेजन एरिया में होती है। यहाँ के लोगों का मुख्य आहार मेनियोक है, जिसे कसावा भी कहते हैं, जो आलू की तरह जमीन के अंदर पैदा होती है। यहाँ के लोग चींटियों की रानी और अंडकोश भी खाते हैं। कॉफी, मक्का और कोको जैसी नगदी फसलें भी यहाँ पर उगाई जाती हैं, जो कि वर्षा के वन हैं। तो यहाँ पर लकड़ियाँ या जंगल पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा होते हैं, तो घरों के लिए लकड़ी भी यहाँ पर काफ़ी मात्रा में मिलती है। कुछ परिवार हैं जो मधुमक्खी के छत्ते के आकार वाले छप्पर के घरों में रहते हैं, जबकि कुछ लोग बड़े अपार्टमेंट वाले घरों में रहते हैं। तो बड़े घरों को बोला जाता है मलोका। इनकी छत जो होती है वो तीव्र ढलान वाली होती है। ठीक है, अमेजन बेसिन के लोग जो कि पहले के समय में रहते थे उसके अनुसार उसको देखा जाए तो अभी काफ़ी उनके रहने सहन में बदलाव आ रहा है। पहले सिर्फ और सिर्फ नदी के द्वारा ही वहाँ पहुँच सकते थे, लेकिन 1970 में ट्रांस अमेजन महामार्ग बनाया गया, जिससे अभी वहाँ के काफ़ी सारे भागों में पहुँचा जा सकता है। लेकिन अभी भी कुछ ऐसे स्थान है जहाँ पर सिर्फ हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर से ही पहुँच सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे सभी जगह की वही बात है, जैसे जैसे विकास होता है वैसे वैसे उसकी कुछ ना कुछ कीमत चुकानी पड़ती है। तो जैसे जैसे यहाँ पर भी वर्षा वन में धीरे धीरे लोग रहना शुरू करते हैं, अब जैसे ये वन हुआ करते हैं, जैसे जैसे यहाँ पर लोगों ने रहना शुरू किया तो अगली प्रक्रिया होती है घर बनाया, उसके लिए कुछ जगह को काटा, खेती करने के लिए कुछ जगह को साफ किया, तो यहाँ पर पेड़ कम हो गया। जब पेड़ कम हो गए तो वर्षा होती है तो मिट्टी ऊपर की होती है वो बह जाती है, और धीरे धीरे ऐसी कंडीशन आ जाती है कि पेड़ ना के बराबर रह जाते हैं। तो इसी तरीके से अमेजन एरिया है, अमेजन बेसिन है, वहां पर भी वर्षा वन का एक बड़ा भाग प्रतिवर्ष लुप्त होता जा रहा है, लोग अपने यूज के लिए उसको यूज करते जा रहे हैं। अमेजन की तरह भारत में है गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। तो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन को आप देखेंगे तो इस चित्र में देखिए, जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में गंगा नदी यहाँ से निकलती है, उसकी बहुत सारी सहायक नदियां हैं। जैसा कि आपको बताया था कि सहायक नदियां और मुख्य नदी का जो जहां पर पानी अपवाहित होता है वो एरिया पूरा बेसिन कहलाता है। अगर भारत में बात करें तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान का कुछ भाग, मध्य प्रदेश का कुछ भाग, बिहार, बंगाल और आसाम, अरुणाचल प्रदेश, इन सब एरिया में है
गंगा, ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन। अगर विदेशों की बात करें तो जैसे तिब्बत से ब्रह्मपुत्र नदी आती है, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी मिलती है, डेल्टा बनाती है, तो ये एरिया भी गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का ही एक भाग है। चित्र में आपने समझ लिया। तो ये जो बेसिन है गंगा ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन, ये उपोष्ण में 10 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री उत्तर अक्षांश के मध्य स्थित है। यहाँ पर चित्र में आप देख सकते हैं, जैसे कि ये एरिया है, तो यहाँ पर आप देखेंगे ये जो इस भाग में ये स्थित है। गंगा और ब्रह्मपुत्र के मैदान, पर्वत और हिमालय के गिरिपाद तथा सुंदरबन डेल्टा, ये इस नदी बेसिन की मुख्य विशेषताएं हैं। कौन सी विशेषताएं हैं? एक तो गंगा और ब्रह्मपुत्र के मैदान इसमें आ जाते हैं, डेल्टा आ जाता है, कुछ पहाड़ी मैदान आ जाते हैं, और मैदानी क्षेत्र हैं उनमें बहुत सारी चाप झील पाई जाती हैं। चाप झीलें आपको बताई थी, जब नदी विसर्प टाइप में होती है तो कुछ एरिया कट के रह जाता है, वो चाप झील बन जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को अलग अलग देश में अलग अलग नाम से भी पुकारा जाता है। जैसे आपने पढ़ा होगा, अगर तिब्बत में बात करें तो सांगपो, अरुणाचल में दिहांग, उसके बाद असम में ब्रह्मपुत्र, तो ये अलग अलग नाम है उसके, जिसे आप दोबारा पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की जो जलवायु है वो मुख्यतः मानसूनी है, क्योंकि मानसून में मध्य जून से लेकर के मध्य सितंबर के बीच में वर्षा होती है, और गर्मियों के समय में गर्मी और ठंडियों में ठंडी पड़ती है वहां पर। जनसंख्या घनत्व जैसा कि पूरे विश्व में है, उसी तरीके से गंगा और ब्रह्मपुत्र बेसिन का भी हाल है। पर्वतीय क्षेत्र में लोग कम रहते हैं, और जो मैदानी क्षेत्र है वहां पर जनसंख्या घनत्व ज्यादा है। जनसंख्या घनत्व क्या होता है? प्रति वर्ग यानी कि एक वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या। जैसे उत्तराखंड में एक वर्ग किलोमीटर में 189 लोग रहते हैं, तो जनसंख्या घनत्व वहां का 189 है। वही पश्चिम बंगाल में 1029 और बिहार का 1102 है। तो जैसे जैसे मैदानी एरिया है वहां पर सभी चीजें बड़ी आसानी से मिल जाती हैं, तो अधिकतर लोग वहीं पर बसने की कोशिश करते हैं और वहां का जनसंख्या घनत्व बढ़ जाता है। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में जो मैदानी भाग है वहां की मिट्टी बहुत उपजाऊ है, तो फसल उगाने के लिए समतल भूमि भी उपलब्ध है, और वहां के लोगों का मुख्य व्यवसाय भी कृषि है। धान यहाँ की मुख्य फसल है, क्योंकि धान की खेती के लिए पर्याप्त जल होता है, वो वहां पर आसानी से मिल जाता है क्योंकि वर्षा बहुत अधिक होती है। और यहाँ पर और भी फसलें होती हैं, जैसे कि गेहूं, मक्का, ज्वार, चना और बाजरा, गन्ना और जूट वाली नकदी फसलें भी उगाई जाती हैं, और मैदान के कुछ क्षेत्रों में केले के बागान भी देखे जा सकते हैं। पश्चिम बंगाल और असम में चाय के बागान भी मिलते हैं, और बिहार और असम में सिल्क के कीड़ों का संवर्धन करके सिल्क का उत्पादन भी किया जाता है। जो ढलान वाले जो भाग हैं, जहां पर पर्वत और पहाड़ी है, वहां पर वेदिकाओं में फसलें उगाई जाती हैं। वेदिकाएं क्या होती हैं? जो ढलान वाले एरिया में पानी डायरेक्ट ना बहे, तो वहां पर थोड़ी थोड़ी जगह पर बनाते हैं। आगे चित्र में मैं आपको दिखाऊंगा वेदिकाओं को। विभिन्न भू आकृतियों के अनुसार वनस्पति भी यहां पर अलग अलग पाई जाती है पूरे के पूरे बेसिन में। तो गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में सागवान, साखू और पीपल के साथ साथ उष्णकटिबंधीय पर्णपाती पेड़ भी पाए जाते हैं। ब्रह्मपुत्र के मैदानी क्षेत्रों में घने बांस के घने झुरमुट पाए जाते हैं, और जो डेल्टा क्षेत्र है यहाँ का, जिसे सुंदरबन डेल्टा है, वो मैनग्रोव वन से घिरा हुआ है। उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश को वहां की ठंडी जलवायु है और तीव्र ढाल है, तो वहां पर चीड़, देवदार और फर जैसे शंकुधारी पेड़ भी पाए जाते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं धान की कृषि है, ये चाय के बागान है, और बेसिन में अलग अलग प्रकार के बहुत सारे वन्य जीव भी मिलते हैं, जैसे कि हाथी, बाघ, हिरन और बंदर, ये तो सामान्य रूप से पाए जाते हैं। एक सींग वाला गैंडा, वो ब्रह्मपुत्र के मैदानों में पाया जाता है असम में जैसे, और डेल्टा क्षेत्र में बंगाल टाइगर, मगर और घड़ियाल पाए जाते हैं, और नदी के साफ जल झील और बंगाल की खाड़ी में बहुत ही प्रचुर मात्रा में जलीय जीव मिलते हैं, जैसे कि रोहू, कतला और हिल्सा मछली यहाँ की लोकप्रिय प्रजाति है। मछली और चावल यहाँ का लोकप्रिय मुख्य भोजन है। तो इस चित्र में देखिए, ये है वेदिका, ये खड़ी ढलान पर वेदिका बनाई गई है। ये इसलिए बनाई जाती है, इस पर आसानी से खेती कर सकें, जल का प्रवाह तीव्रता से नहीं होगा तो मिट्टी नहीं कटेगी। यह है एक सींग वाला गेंडा, ये मगर। झील के जीविका का इसमें बताया गया है कि झील, जैसे कि एक झील को साफ कर लिया गया है और वहां पर मछली पालन किया जाता है, तो एक तरीके से ये एक आजीविका का भी काम करता है। अगर झील प्रदूषित है, किसी बड़े शहर से वहां पर आके कचरा, किसी फैक्ट्री का कचरा आ रहा है, तो वो झील किसी काम की नहीं है। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के अलवण जल में एक प्रकार की डॉल्फिन पाई जाती है, जिसे स्थानीय भाषा में सुसु
या फिर अंधी डॉल्फिन भी कहा जाता है। शुशु की उपस्थिति से जल की शुद्धता का पता चलता है। रसायन की अत्यधिक मात्रा वाले गैर उपचारित औद्योगिक एवं शहरी गंदगी इन प्रजातियों को नष्ट कर रहे हैं। यहाँ पर एक प्रदूषित झील का भी चित्र दिया गया है। बहुत सारे जो झाड़ियाँ यहाँ पर उगी हुई हैं, गंदी फैक्ट्रियों का पानी यहाँ पर आके मिलता है, तो वो सब जो पानी है वो प्रदूषित पानी कहलाता है। तो प्रदूषण को खत्म करने के लिए ही भारत के प्रधानमंत्री ने 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ भी किया था। गंगा और ब्रह्मपुत्र के मैदानों में बहुत से बड़े बड़े ऐसे शहर भी हैं जिनकी आबादी काफी ज्यादा है, जैसे 10 लाख से अधिक। ऐसे बात करें तो प्रयाग, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, पटना और कोलकाता जैसे बड़े बड़े शहर हैं जो कि गंगा नदी के तट पर ही स्थित हैं। अब जब ये नहर शहर के तट पर नदियां हैं तो पूरे शहर में होने वाले उद्योग और जो गंदा पानी बहकर आता है वो इसी नदी में मिल जाता है, जिससे नदी प्रदूषित हो जाती है। बेसिन में यातायात का भी सुविकसित तंत्र उपस्थित है, जैसे कि गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में यातायात के 4 मार्ग सुविकसित हैं और मैदानी इलाकों के लोग सड़क मार्ग और रेल मार्ग द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। नदी के तटीय क्षेत्रों में जल मार्ग भी है और कोलकाता यहाँ पे हुगली नदी पर स्थित एक महत्वपूर्ण पोर्ट है। मैदानी क्षेत्र में बड़े बड़े हवाई पत्तन यानी कि एयरपोर्ट भी स्थित हैं। तो सभी जो परिवहन के साधन हैं वो इस बेसिन में उपस्थित हैं। गंगा नदी के संरक्षण के लिए नमामि गंगे कार्यक्रम को भी शुरू किया गया है। और इस बेसिन का एक महत्वपूर्ण क्रिया है वो है पर्यटन, जैसे आगरा में यमुना के किनारे स्थित ताजमहल, प्रयाग में गंगा एवं यमुना नदी का संगम, उत्तर प्रदेश और बिहार में बौद्ध स्तूप, लखनऊ का इमामबाड़ा, असम का काजीरंगा एवं मानस वन्य प्राणी अभयवन और अरुणाचल प्रदेश की विशिष्ट जनजाति संस्कृति, इस तरीके के बहुत सारे पर्यटन के दर्शनीय स्थल हैं इस बेसिन में। अभी कुछ क्वेश्चंस हैं जिन्हें आप भी सॉल्व करने की कोशिश करें, जैसे कि उस महाद्वीप का नाम बताएं जो अमेजन बेसिन में स्थित है। कौन सा महाद्वीप है? दक्षिण अमेरिका। अमेजन बेसिन के लोग कौन सी फसल उपजाते हैं? अगर नकदी फसल की बात करें तो कोको है। आप दोबारा से एक बार चैप्टर को देखेंगे तो इस चीज को याद रखिए, इसे मैं नहीं बताऊंगा जिससे कि आपको याद रहे। अमेजन के वर्षावन में कौन से पक्षी पाए जाते हैं? टोकन एक पक्षी का नाम मैं बताता हूँ, बाकी पक्षी आप देखिए। गंगा नदी के तट पर कौन से प्रमुख शहर स्थित हैं? गंगा नदी के तट पर बहुत सारे प्रमुख शहर हैं, अगर आप देखें तो प्रयाग है, पटना है, कोलकाता है, और भी शहर हैं, वाराणसी है, और भी कुछ शहर हैं जिनका नाम आप पता कीजिए। और एक सींग वाले गेंडे कहाँ पाए जाते हैं? ब्रह्मपुत्र नदी के मैदानों में, जैसे कि असम में। ये कुछ क्वेश्चन हैं, विकल्प हैं, इनको आप देखिए और कोशिश कीजिए पता करने का। आपको कोई भी डाउट होता है कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं। अगले चैप्टर के लिए अगले वीडियो में मिलेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।